वेलकम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स इन सीरीज के बारे में। सो आज हम देखेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं तो आपका टोटल ईएमएफ कितना हो जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि आपका सेल्स हैं उनके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ा रहता है, सो आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट ए पर और इस पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं, बी तक जाएंगे और बीच में हम दो सेल्स यहाँ लगाने वाले हैं। सो पॉइंट ए से हमारी शुरुआत हुई है, हम बढ़ रहे हैं, हमने एक सेल दे दिया, इसका ईएमएफ मान लीजिए इवन है, इसके साथ एसोसिएटेड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आर वन। आगे बढ़े, एक और सेल दे दिया हमने, इसको हमने कह दिया ई टू और इसके साथ जुड़ा हुआ है आर टू और पॉइंट को हमने खत्म कर दिया बी। ये अपने में एक ओपन सर्किट नहीं है, ये पूरा एक सर्किट का पार्ट है, उसका जस्ट हम एक हिस्सा यहां ले रहे हैं। सो डेफिनेटली करंट इसमें फ्लो करेगा, इस तरह से करंट आपका फ्लो कर रहा है। इसी का हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में हम बनाएंगे। सो हमारा ये हो गया पॉइंट ए, यहां से इन दोनों ई1 ई2 का इक्विवेलेंट मान लीजिए ई इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लीजिए हमने ले लिया एज आर इक्विवेलेंट और हमने पॉइंट बी ले लिया, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट है, करंट भी सेम ही रहेगा आपका, आई इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारा सर्किट हो गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ए से बी हम जाएंगे, ए से बी शुरुआत करेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे और देखेंगे पोटेंशियल में वेरिएशन क्या आता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और यहां हम किर्चॉफ्स रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम वेरिएशन लिखेंगे। तो वो रूल में किस तरह से लिखा जाता है, एक एक करके जैसे कंपोनेंट्स आते जाएगा हम उसको देखते चले जाएंगे। तो हमारी जर्नी शुरू होती है ए पे, तो यहां का हमने लिख दिया वी ए। हम आगे बढ़े, हमारे सामने आया ई1, एक सेल आया, उसका ईएमएफ है ई1। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे, सो देखिएगा, यहां है प्लस, यहां है माइनस, मतलब यह है हायर, यह है लोअर। तो आप जब इस रास्ते में बढ़ रहे हैं तो हायर से लोअर इस तरह जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, क्योंकि आप हायर से लोअर जा रहे हैं। देखिए पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा हाइट डिफरेंस या हाइट के हिसाब से बताया जाता है, ये एनालॉजी दी जाती है। सो हम भी वही एनालॉजी यहां दे रहे हैं, हाइट में जैसे आप ऐसे नीचे चले गए, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस ई1, ठीक। अब नेक्स्ट आया आपका ये आर1, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, कितना करंट है यहां, आई आया, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप एज पर ओम्स लॉ हो जाएगा आई आर1। अब ये आई आर1 प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हमें देखना है, ये डिपेंड करेगा कि हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं या लोअर से हायर जा रहे हैं। अगर हम हायर से लोअर तो माइनस, लोअर से हायर तो प्लस। सो यहां देखिएगा, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है और करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ बढ़ता है, और ये आर1 में जो हमारा डायरेक्शन है वो आपका है करंट के अपोजिट, और करंट बढ़ता है हायर से लोअर और उसके हम अपोजिट है, मतलब हम बढ़ रहे हैं लोअर से हायर के तरफ, ठीक। सो क्योंकि हम लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे प्लस, ओके। अगेन हम आगे बढ़े, E2 पे आए, अगेन प्लस से माइनस, हायर से लोअर, सो हो गया माइनस E2। अगेन R2 आया, अगेन R2 में वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, करंट ऐसे आ रहा है मतलब हायर से लोअर इधर है, मतलब ये हो गया लोअर से हायर। देखिए हमारा रास्ता ऐसा है, इस तरह से हम जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है मतलब ये करंट फ्लो कर रहा है हायर टू लोअर और हम जा रहे हैं लोअर टू हायर, तो ये हो गया प्लस IR2। और करके आप कहां पहुंच गए, बी पे, पोटेंशियल कितना हो गया VB लिख दिया, ठीक है, ओके। बी को इधर ले आते हैं, सो VA माइनस VB, ये सब उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, ओके। नाउ देखिए ये है VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो ये क्या है, ये बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको मान लीजिए हम V से डिनोट करते हैं,
तुम लिख देते हैं भाई V हो गया हमारा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ओके, अब इसको हम एज इट इज यहीं रहने देते हैं। अब चलते हैं अपने इक्विवेलेंट सर्किट पे, फिर वहां से हम कंपेयर करेंगे आपका, ठीक है। आ जाते हैं यहां पर, सेम जैसे इक्वेशन लिखे हैं वैसे यही रूल अप्लाई करके यहां भी लिख देते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ए जा रहे हैं किधर, बी तक। सो वी ए, नेक्स्ट आया ये, प्लस से माइनस, हायर से लोअर, तो माइनस ई इक्विवेलेंट, अगेन आ गया ये, इसमें करंट है कितना आई, सो ये हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट, यही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप आपका। तो क्योंकि अगेन करंट के अपोजिट जा रहे हैं जैसे हमने यहां पे इस्तेमाल किया था, तो हम यहां डेफिनेटली आपका लोअर टू हायर बढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस लोअर टू हायर। ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे प्लस, नीचे की तरफ हाइट में या पोटेंशियल में जाएंगे तो माइनस। और कहां पहुंच गए, बी पे, तो लिख दिया हमने बी, बी को यहां ले आते हैं, वी ए माइनस वी बी उधर भेज देते हैं, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अगेन वी ए माइनस वी बी को हमने क्या कहा है, हमने कहा है V, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है इसलिए अगर VA माइनस VB यहां V है तो ये भी VA माइनस VB यहां पे V होगा। तो इसको लिख दिया V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक ही चीज बचता है, इनको कंपेयर करना। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड भी आपका इक्विवेलेंट होगा। सो E इक्विवेलेंट की जगह आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया E1 प्लस E2, ओके। और R इक्विवेलेंट की जगह क्या मिल गया, R इक्विवेलेंट की जगह मिल गया R1 प्लस R2। नाउ ये जो रिजल्ट है ये तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं भाई ये दोनों देखिए एक ही करंट फ्लो कर रहा है, सो ये सीरीज में कनेक्शन है तो R1 प्लस R2 तो मिलना ही चाहिए। सो हमारा E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 प्लस E2 आ गया, ठीक है। ये एक और लग जाता सेल, E3 लग जाता, प्लस E3 कर देते। नाउ एक वेरिएशन और करते हैं, वेरिएशन क्या है, अगर ये वाला सेल ऐसे ना लग के ऐसे लगा होता तो, है ना, जैसे यहां पर आपका यहां प्लस फिर माइनस है, तो अगर ये माइनस होता फिर उसके बगल में प्लस होता तो ऐसे उल्टा करके लगा होता तो क्या होता, तो देखिए यहां पर उसका साइन पलट जाता, यहां जाके अगेन साइन पलट जाता, तो यहां ये प्लस हो जाता, यहां ये माइनस हो जाता, ठीक है, और हमें रिजल्ट में यहां पे माइनस मिल जाता। सो अगर इस तरह का कनेक्शन हो जाएगा तब आपका जो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। इस केस में फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक, पर R के वैल्यू में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि करंट हम यहां चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं करंट तो ऐसे ही आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ सेल को हमने पैसे पलट दिया होगा। सो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आप यूज किए भी होंगे, जहां आपका जैसे ही सेल को ऐसे पलट दिया जाता है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां पर आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि क्यों ये माइनस हो जाता है, ठीक। चलिए एक सर्किट लेते हैं विथ ऑल दी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स एंड ऑल, और उसके बाद हम उसके लिए देखेंगे टोटल ईएमएफ लिखने का या करंट किस तरह से लिख सकते हैं। सो इसके लिए हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं आपका बहुत सारे सेल से, कितने, एन सेल से, एन सेल से यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया, और सभी सेल का ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सो यहां एन सेल्स है, सभी का ईएमएफ है ई, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और डेफिनेटली इस तरह से अगर सेल है तो आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना, ये भी क्लियर है। अब इस सिचुएशन के लिए हम करंट का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। तो यहां पर इससे पहले के वीडियो में मैंने आपका करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, और वो एक्सप्रेशन आपका था कि आई जो करंट है वो होता है जो भी ईएमएफ है आपका बाय कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका प्लस कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। सो ओके, पुट कर देते हैं, ईएमएफ कितना है हमारा। अब देखिए यहां तो सारे ईएमएफ आपके सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, प्लस माइनस
फिर माइनस इसके प्लस में गया, फिर माइनस प्लस माइनस, तो सब आपके सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितने सेल हैं यहाँ, एन है, तो ई प्लस ई ऐसे जोड़ते जोड़ते एन टाइम्स, तो ये कितना हो गया, एन ई हो गया। ठीक है, ये टोटल ई एम एफ आ गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही लगा हुआ है, लिख देते हैं कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक का आर है और कितने हैं, एन। सो आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू, ऐसे करते 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 आर एन, पर सारे तो सेम है, तो ये कितना, एन टाइम्स। ओके, सो ये कितना दे देगा, ये दे देगा आपको एन आर। सो ये आपका हो गया एन आर, ये आपका करंट हो जाएगा। ठीक है, सो यहां हमने ये सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल किया है। ठीक, सो इस तरह से आप टोटल ईएमएफ निकाल सकते हैं जब आपका सेल्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है आपका। ठीक है, सो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे जब यही सेल्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, सो किस तरह से ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।